हाय एवरीवन वेलकम टू कैम क्लासेस आज की वीडियो में हम देखेंगे रिड्यूस टेबल्स ऑफ क्लास ट्वेल्थ अब क्या क्या है टू थाउजेंड ट्वेंटी वन और ट्वेंटी टू के सेशन में टर्म्स में डिवाइड कर दिया गया है सिलेबस को टर्म वन का एग्जाम होगा देन टम टू का और दोनों का मिला के आपका फाइनल रिजल्ट तैयार किया जाएगा क्लास ट्वेल्थ का तो हम शुरू करते हैं क्लास ट्वेल्थ के टर्म फर्स्ट के सिलेबस से देखो इसमें जो हमारा चैप्टर आएगा वो आएगा सोलिड स्टेट सोल्यूशन दो फिजिकल के चैप्टर हैं ये स्टेट और सॉल्यूशन इन दोनों की जो वेटेज है वो टेन मार्क्स की वेटेज होगी थर्ड है पी ब्लॉक एलिमेंट्स जो हमारा इनऑर्गेनिक का चैप्टर है उसकी वेटेज होगी टेन मार्क्स की फोर्थ और फिफ्थ सिक्स ये जो तीन चैप्टर है ये हमारे ऑर्गेनिक के हैं हेलो एल्केन हेलोअल्केलोरिन एल्कोहल फिनोल्स एंड ईथर बायमोलिक्यूल्स इनकी वेटेज होगी फिफ्टीन मार्क्स की तो टोटल हमारा थर्टी फाइव मार्क्स का थ्योरेटिकल एग्जाम होगा टर्म फर्स्ट में इसमें देखते हैं हम सॉलिड स्टेट में क्या क्या आएगा सोलड स्टेट में है क्लासिफिकेशन ऑफ सोलिड बेस्ड ऑन डिफरेंट बाइंडिंग फोर्स मोलिकुलर आइनिक कोवेलेंट एंड मेटेलिक सोलिड्स अमोर्फस एंड क्रिस्टलाइन सोलि यूनिट सेल इन टू डायमेंशन एंड थ्री डायमेंशन लैटिस कैलकुलेशन ऑफ डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल पैकिंग इन सोलि पैकिंग एफिशियंसी वॉइड्स नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल इन अ क्यूबिक यूनिट सेल पॉइंट डिफेक्ट्स इसमें जो लास्ट का था हमारा इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सोलि वो उसको कैंसिल कर दिया गया सिलेबस से सेकेंड चैप्टर सोल्यूशन में है टाइप्स ऑफ सोल्यूशन एक्सप्रेशन ऑफ कंसनट्रेशन ऑफ सोल्यूशन ऑफ सोलिड्स इन लिक्विड सोलिबिलिटी ऑफ गैसेज इन लिक्विड सोलिड सोल्यूशन रोड्स लो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज रिलेटिव लोवरिंग ऑफ एपर प्रेशर एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ मोटिक प्रेशर डिटर्मिनेशन ऑफ मोलिकुलर मासिस यूजिंग कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज और ये भी लगभग सारा ही चैप्टर कवर किया गया है थर्ड है हमारा पी ब्लोक एलिमेंट जिसमें ग्रुप फिफ्टीन एलिमेंट्स की जनरल इंट्रोडक्शन Electronic configuration, occurrence, oxidation state, trends in physical and chemical properties, nitrogen, preparation properties and uses, compound of nitrogen, preparation and properties of ammonia and nitric acid. So the group 15 group 16 may be general introduction: electronic configuration, oxidation state, occurrence, trend in physical and chemical properties, dioxygen, preparation properties and uses, classification of oxides, ozone, sulfur, allotropic forms, compound of sulfur. प्रिप्रेशन प्रॉपर्टीज एंड यूजेज ऑफ सल्फर डाईऑक्साइड सल्फ्योरिक एसिड प्रॉपर्टीज एंड यूज ऑक्सो एक्सिड ऑफ सल्फर स्ट्रक्चर्स ऑनली इनके सिर्फ स्ट्रक्चर्स करने हैं ग्रुप थर्टीन सॉरी ग्रुप सेवनटीन में जनरल इंट्रोडक्शन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन ऑक्सीडेशन स्टेट अक्रेंस ट्रेंड्स इन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज कंपाउंडस ऑफ हेलोजन प्रीप्रेशन प्रॉपर्टीज एंड यूजिज ऑफ क्लोरिन एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड इंटर हैलोजन कंपाउंड ऑक्सो एसिड्स ऑफ हैलोजन इसके भी सिर्फ स्ट्रक्चर्स करने हैं ग्रुप एटीन एलिमेंट्स की जनरल इंट्रोडक्शन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अक्रेंस और उनकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी का ट्रेंड एंड यूजेस। तो ये है पी ब्लॉक का सिलेबस ये थोड़ा ज्यादा है इनऑर्गैनिक का सिर्फ एक ही चैप्टर इसमें कवर किया गया टर्म फर्स्ट में आगे है ऑर्गेनिक के चैप्टर जिसमें हमारा पहला चैप्टर हैलो अल्केन एंड हैलोअरिन इसमें हैलो एल्के्केन का नोमनक्लेचर नेचर ऑफ सी एक्स बॉन्ड फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑप्टिकल रोटेशन मकैनिज्म ऑफ सोस्टिट्यूशन रिएक्शन इसमें इनकी प्रिपरेशन को कंक्लूड नहीं किया गया है इन जो हेलो एल्किस की प्रिपरेशन वाली रिएक्शंस हैं उनको इनमें इंक्लूड नहीं किया गया है हैलोअरिंस का नेचर ऑफ सी एक्स बॉन्ड सब्सटिट्यूशन रिएक्शन ये इसमें कट गया है बारह सिलेबस ये आप देख लेना आपके कौन कौन से टॉपिक इसमें से कटे हैं आगे है हेलो एल्केन सॉरी आगे है एल्कोहल फिनोल्स एंड इथर इसमें देखो एल्कोहल्स की नोम क्लेचर मैथड ऑफ प्रिपरेशन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी एल्कोहल मकैनिज्म ऑफ डिहाइड्रेशन फिनोल्स में नोमनक्लेचर मैथड ऑफ प्रिपरेशन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज एसिडिक नेचर ऑफ फिनोल इलेक्ट्रोफिलिक सब्सिट्यूशन रिएक्शन एंड यूजेज ऑफ फिनोल इथर्म का नोमनक्लेचर मैथड ऑफ प्रिपरेशन एंड फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज एंड यूजेज और एक और चैप्टर है बायोमोलिक्यूल जिसमें कार्बोहाइड्रेट क्लासिफिकेशन एल्डोज और कीटोज की मोनोसेक्राइड डी एल कॉन्फिग्रेशन और प्रोटीन्स के बारे में एलिमेंट्री आइडिया ऑफ अमीनो एसिड पेप्टाइड बोन पोलीपैप्टाइड प्रोटीन्स स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन प्राइमरी सेकेंडरी टर्स स्ट्रक्चर एंड क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर और डी नेचुरेशन ऑफ प्रोटीन्स और न्यूक्लिक एसिड में डी एन ए एंड आर एन ए ये सिलेबस है हमारा टर्म फर्स्ट का और थर्टी फाइव मार्क्स का तो आपका थियोटिकल एग्जाम होगा फिफ्टीन मार्क्स की आपकी प्रैक्टिकल्स कंडक्ट कराई जाएगी अगर आपकी नवंबर दिसंबर तक कोविड की सिचुएशन नॉर्मल नहीं होती है तो उस केस में आपका एक प्रैक्टिकल बेस्ड असेसमेंट होगा फिफ्टीन मार्क्स का जिसमें आपका एक पेपर लिया जाएगा जिसमें प्रैक्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे उनके बेसिस पे आपको मार्क्स दिए जाएंगे ये आपका प्रैक्टिकल का सिलेबस है वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस फोर मार्क्स की सॉल्ट एनालिसिस फोर मार्क्स कंटेंट बेस्ड एक्सपेरिमेंट टू मार्क्स का और फाइव नंबर का आपका वाइवा टोटल फिफ्टीन मार्क्स की आपकी प्रैक्टिकल है तो थर्टी फाइव थियोटिकल और फिफ्टीन मार्क्स की प्रैक्टिकल टोटल आपका फिफ्टी मार्क्स का पेपर होगा टर्म फर्स्ट में ये आपका प्रैक्टिकल का सिलेबस है वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस सोल्ट एनालिसिस और कंटेंट बेस्ड एक्सपेरिमेंट्स में क्रोमेटोग्राफी दे रखा है और करेक्ट्रिस्टिक्स टेस्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट फैट्स एंड प्रोटीन्स इन प्योर सैम्पल एंड देर डिटेक्शन इन गिवन फूड स्टफ्स ये हो गया आपका टर्म फर्स्ट का आप देखते हैं टर्म सेकेंड का सिलेबस टर्म सेकेंड में आपका फिजिकल के दो तीन चैप्टर्स हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री केमिकल काइनेटिक्स एंड सरफेस केमिस्ट्री और इन तीनों की जो टोटल वेटेज है मार्क्स की वो थर्टीन इनऑर्गेनिक का है डी एंड एफ ब्लॉक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जिनकी वेटेज है नाइन मार्क्स की ऑर्गेनिक है एल्डिहाइड डी कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अमीन्स इनकी वेटेज है थर्टीन मार्क्स की तो टोटल आपका यहाँ पे थर्टी फाइव मार्क्स का थ्योरेटिकल एग्जाम होगा ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में रिडोक्स रिएक्शन ई एम एफ ऑफिस सेल स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नॉन् स्टिक्वेशन एंड इट्स अप्लीकेशन रिलेशन बिटवीन गिव्स फ्री एनर्जी एंड ई एम एफ ऑफिस सेल कंडक्टेंस इन इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन स्पेसिफिक एंड मोलर कंडक्टिविटी वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी विद कंसेंट्रेशन कोलराश लो एंड इलेक्ट्रोलिसिस ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपका लास्ट का जो कोरोजन वाला है वो कट कर दिया गया है इसमें से केमिकल काइनेटिक्स में है रेट ऑफ रिएक्शन फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन कंसेंट्रेशन टेम्परेचर कैटेलिस्ट ऑर्डर एंड मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन रेट लो एंड स्पेसिफिक रेट कॉन्स्टेंट इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन एंड हाफ लाइफ ये है आपका केमिकल काइनेटिक्स सरफेस केमिस्ट्री में एडजॉप्शन फिजिजॉप्शन एंड कैम्योजॉप्शन फैक्टर्स अफेक्टिंग एड्जॉर्बशन ऑफ गैसेज ऑन सॉलिड कोलोइडल स्टेट डिस्टिंक्शन बिटवीन ट्रू सोल्यूशन, कोलोइड्स एंड सस्पेंशन लायोफिलिक लायोफोबिक मल्टीमोलिकुलर एंड माइक्रोमोलिकुलर कोलोइड्स प्रॉपर्टीज ऑफ कोलोइड्स टिंडल इफेक्ट ब्राउनियन इफेक्ट ऑंड इलेक्ट्रोफोरेसिस कोगुलेशन ये आपके सिलेबस है सरफेस केमिस्ट्री का डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में जनरल इंट्रोडक्शन आपकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन अक्रेंस एंड कैरेक्ट्रिस्टिक्स ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स जनरल ट्रेंड्स इन प्रॉपर्टीज़ ऑफ द फर्स्ट रो ट्रांजिशन मेटल्स मेटेलिक करेक्टर आयनाइजेशन एंड ऑक्सीडेशन स्टेट आयनिक रेडियाई कलर कैटेलिटिक प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, इंटरस्टेशियल कंपाउंड एंड अलोए फॉर्मेशन लेंथेनोइड में आपका जो एफ ब्लो है उसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन ऑक्सीडेशन स्टेट एंड लेंथनॉइड कॉन्ट्रैक्शन एंड इट्स कंसिक्वेंसिस कोर्डिनेशन कंपाउंड में कॉर्डिनेशन कंपाउंड इंट्रोडक्शन लीगेंड्स कोऑर्डिनेशन नंबर कलर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज एंड शेप्स आयोपैक नोमनक्लेचर ऑफ मोनोन्यूक्लियर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बॉन्डिंग बर्नर्स थ्योरी बीबीटी एंड सीएफटी वैलेंस टी थ्योरी और क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ये आपका सिलेबस है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का एलडीहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड में आपका एलडीहाइड एंड कीटोन नोमनक्लेचर नेचर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप मैथड्स ऑफ प्रिपरेशन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ मकैनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्टिविटी ऑफ एल्फा हाइड्रोजन इन एल्डिहाइड यूजेज कार्बोक्सिलिक एसिड में मेंचर एसिडिक नेचर मैथड ऑफ प्रिपरेशन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज एंड यूज अमाइंस नोमक्लेचर क्लासिफिकेशन, स्ट्रक्चर मैथड्स ऑफ प्रिपरेशन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज यूजेस आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी अमींस फिर आपके फिफ्टीन मार्क्स की प्रैक्टिकल होगी उसमें भी यही कंडीशन है कि अगर प्रैक्टिकल होती है तो ठीक है लेकिन अगर तब तक आपकी कोविड की सिचुएशन नॉर्मल नहीं हुई तो उस केस में आपका एक प्रैक्टिकल बेस असेसमेंट कराया जाएगा टेन मार्क्स का और फाइव मार्क्स की आपकी वाइवा होगी ये आपका प्रैक्टिकल का सिलेबस है वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस फोर मार्क्स सॉल्ट एनालिसिस टू मार्क्स कॉन्टेंट बेस एक्सपेरिमेंट टू मार्क्स और फाइव नंबर का आपका वाइवा ये आपका सिलेबस है प्रैक्टिकल का अब आपको एक बात और ध्यान में रखनी है देखो अगर एक बात ये ध्यान रखनी है कि जो आपका टर्म फर्स्ट का एग्ज़ाम है वो लगभग नवंबर अक्टूबर नवंबर तक नवंबर लगा के चलो ऑन एवरेज नवंबर में आपका टर्म फर्स्ट का एग्ज़ाम लिया जाएंगे तो जो टर्म सेकंड बचेगी उसके लिए आपको बहुत कम टाइम मिलेगा लगभग दो महीने मिलेंगे तो उसमें आपका पूरा का पूरा टर्म सेकंड का सिलेबस कवर नहीं हो पाएगा तो आपको टर्म फर्स्ट और लगभग सेवेंटी परसेंट ऑफ सिलेबस ऑफ टर्म सेकंड वो अभी से आपको कवर करते हुए चलना है उसके लिए वेट नहीं करना कि टर्म फर्स्ट के एग्जाम हो जाएंगे उसके बाद आप टर्म सेकेंड के लिए प्रिपेयर करोगे आप अभी से अपने सिलेबस को कंटिन्यू रखो टर्म फर्स्ट की रिवीजन कंप्लीट रखनी है और टर्म सेकंड का भी आप सिलेबस लगभग सेवेंटी टू सेवेंटी फाइव परसेंट आप सिलेबस उसको कंप्लीट रखो अभी से क्योंकि आपको सेकंड टर्म के लिए बहुत कम टाइम मिलेगा